अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैयद हसनैन जिलानी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कंजंक्शंस पे। अब कंजंक्शन की एक डेफिनेशन को समझते हैं और फिर एग्जांपल्स के साथ उस डेफिनेशन को रीरीड करेंगे, रीकंसिडर करेंगे। कंजंक्शन है क्या? कंजंक्शन एक लफ्ज होता है, हम लफ्ज से स्टार्ट करते हैं, वर्ड से स्टार्ट करते हैं। कंजंक्शन जो है वो एक वर्ड है और वो करता क्या है? कंजंक्शन कनेक्ट करता है। कंजंक्शन एक लफ्ज है जो कि कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है? वर्ड्स को भी कनेक्ट कर सकता है, फ्रेजेस को भी कनेक्ट कर सकता है और क्लॉजेस को भी कनेक्ट कर सकता है और एक बैलेंस जनरेट करता है इनके बीच में। जिन वर्ड्स को कनेक्ट करेगा उसमें बैलेंस होगा, उसमें एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप होगा। जिस फ्रेजेस को कनेक्ट करेगा उनमें बैलेंस होगा और जिन क्लॉजेस को कनेक्ट करेगा। अच्छा, अभी आपको शायद ये डेफिनेशन टफ लग रही हो, लेकिन हम जब एग्जांपल्स देखेंगे तो उसके बाद फिर इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे। तो कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन एक लफ्ज है, करता क्या है? कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है? वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को। और कैसे कनेक्ट करता है? एक बैलेंस के साथ। तो मैं कंजंक्शन को कहता हूं कि कंजंक्शन एक तराजू होता है। जिस तरह तराजू के दोनों पलड़े बराबर होते हैं, इसी तरीके से कंजंक्शन के दाएं बाएं भी अक्सर औकात जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जो चीज़ें होती हैं कंजंक्शन के दाएं बाएं, वो भी बराबर होती हैं। देखें, मेरी डेफिनेशन को मज़ीद क्लियर करने के लिए हम एग्जांपल्स देखते हैं। डेफिनेशन मैंने आपके लिए फिर लिख दी है। कंजंक्शन इज़ अ वर्ड विच कनेक्ट्स वर्ड्स। कंजंक्शन इज़ अ वर्ड विच कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस इन अ बैलेंस और टू क्रिएट अ बैलेंस रिलेशनशिप बिटवीन देम। अब हम मिसाल लेते हैं। जिया अली एंड जिया प्ले क्रिकेट। क्रिकेट के स्पेलिंग सही कर लूं, प्ले क्रिकेट। दूसरा सेंटेंस देखें, रॉय हेल्प्ड अली एंड जिया। तीसरा सेंटेंस देखिए, अली इज ऑनेस्ट एंड स्मार्ट। फोर्थ सेंटेंस देखिए, जिया राइट्स, राइट्स का डब्ल्यू छोटा करते हैं, जिया राइट्स स्लोली एंड क्लियरली। फिफ्थ सेंटेंस देखिए, माय बुक्स आर ऑन द टेबल एंड इन द बैग। और सिक्स सेंटेंस देखिए, आई लाइक बुक्स कॉमा एंड आई रीड 50 पेजेस अ डे। अब इन छह सेंटेंसेस का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि ये जो हमने डेफिनेशन बनाई है कि कंजंक्शन एक लफ्ज है जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को कनेक्ट करता है एक बैलेंस के साथ, ये डेफिनेशन सही है या नहीं सही। अब सबसे पहले हम करते हैं कि एंड को बोल्ड कर लेते हैं यहां, बल्कि एंड का कलर भी चेंज करते हैं। सारे एंड्स को एक ही कलर में कर लेते हैं। अब आप लोग एंड के दाएं बाएं देखो। सेंटेंस नंबर वन में एंड के दाएं बाएं देखिए,
सेंटेंस नंबर वन में एंड से पहले अली और एंड के बाद में ज़िया, देखिए, यानी दोनों सब्जेक्ट्स हैं, एंड के दाएं बाएं दोनों तरफ सब्जेक्ट्स हैं, एंड ने दो सब्जेक्ट। अच्छा, मैंने ना जानबूझकर एक ही कंजंक्शन का इस्तेमाल किया है ताकि आपको इस डेफिनेशन को समझा पाऊं कि कंजंक्शन एक वर्ड है जो कनेक्ट करता है फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और वर्ड्स को इन अ बैलेंस। तो एक ही कंजंक्शन मैंने फिलहाल इस्तेमाल किया है, उसके बाद फिर डिफरेंट टाइप्स की तरफ जाएंगे। तो सेंटेंस नंबर वन था कि एंड ने दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट किया। सेंटेंस नंबर टू अगर आप देखें, रॉय हेल्प्ड अली एंड जिया। अब देखें, यहां एंड ने दो ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट किया, अली और जिया दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं यहां पे। कैसे पता चला? एक्शन रिसीवर हैं ये हेल्प ले रहे हैं, रॉ एक्शन डूअर है यहां पे। सेंटेंस नंबर थ्री में अगर आप देखें तो एंड के दाएं बाएं दोनों तरफ क्वालिटीज हैं अली की, कि अली ऑनेस्ट भी है और स्मार्ट भी है। अब देखें, एंड के दाएं बाएं सेम टाइप के वर्ड्स हैं, यानी कि क्वालिटीज हैं, और क्वालिटीज जो हैं वो जनरली एडजेक्टिव की डोमेन में जाती हैं। क्वालिटीज जनरली एडजेक्टिव्स होती हैं। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि अली इज ऑनेस्टली एंड स्मार्ट कहा जाए, बैलेंस बिगड़ गया। ऐसा नहीं हो सकता कि अली इज ऑनेस्ट एंड स्मार्टली कहा जाए, बैलेंस बिगड़ गया। ऐसा नहीं हो सकता कि अली इज ऑनेस्ट एंड हैज अ स्मार्ट बिहेवियर कहा जाए, सॉरी, अली इज ऑनेस्ट एंड हैज अ स्मार्ट माइंड कहा जाए, तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। देखिए ना, सेंटेंस लिख के दिखाता हूं आपको। अली इज ऑनेस्ट एंड हैज अ स्मार्ट माइंड, बैलेंस बिगड़ गया ना। अब एंड को यहां पर बोल्ड करते हैं, रेड करते हैं। एंड से पहले देखें, ऑनेस्ट सिंगल वर्ड है, और एंड के बाद में देखिए यहां पर पूरा फ्रेज आ गया, तो बैलेंस बिगड़ गया ना, कि एक तरफ तो वर्ड है, एंड से पहले वर्ड है और एंड से पहले फ्रेज आ गया। सो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, इसको हटा देते हैं। अच्छा, फोर सेंटेंस देखिए। जिया राइट्स, जिया लिखता है। कैसे लिखता है? आगे एंड के दाएं बाएं दोनों तरफ अंदाज हैं उसके लिखने के, मैनर्स हैं, ठीक है? और मैनर्स को जनरली हम कहते हैं एडवर्ब्स। किसी काम करने के अंदाज को, मैनर को हम जनरली एडवर्ब कहते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि सेंटेंस नंबर फोर्थ में मैं यूं कर दूं कि अली राइट्स स्लो एंड क्लियरली, तो वो गलत हो जाएगा। अगर मैं इसे स्लो एंड क्लियरली कर दूं तो गलत हो जाएगा। या अगर मैं कहूं कि अली राइट्स स्लोली एंड क्लियर, तो फिर भी गलत हो जाएगा। तो यहां भी क्लियरली आना चाहिए, बैलेंस बैलेंस। अब फोर्थ सेंटेंस तक अगर आप देखो तो एंड ने, कंजंक्शन ने यानी, दो वर्ड्स को जोड़ा है, और ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये सेम कैटेगरी के हैं। सेंटेंस नंबर वन में एंड से पहले और एंड के बाद में ज्या, ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स, एक्शन डूअर्स, दोनों ही खेल रहे हैं क्रिकेट। सेंटेंस नंबर टू में एंड ने जोड़ा है, कनेक्ट किया है अली और जिया को, अब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। सेंटेंस नंबर थ्री में एंड ने कनेक्ट किया है ऑनेस्ट और स्मार्ट को, ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं, ये दोनों क्वालिटीज हैं। सेंटेंस नंबर फोर में एंड ने कनेक्ट किया है स्लोली और क्लियरली को, अब ये दोनों एडवर्ब्स हैं, दोनों मैनर्स हैं। अब सेंटेंस नंबर फाइव को देखिएगा। अब एंड से पहले ऑन द टेबल, ये फ्रेज है।
अच्छा फ्रेज क्या होता है ये मैं अपने पहले लेक्चर्स में आप लोगों को बता चुका हूँ, सेंटेंस स्ट्रक्चर के जो लेक्चर्स हैं ना, तो उसके अंदर फ्रेज, क्लॉज, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, लिंकिंग वर्ब, वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं, तो अब इस लेक्चर में मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो माई बुक्स आर ऑन द टेबल एंड इन द बैग। अच्छा अब एंड के दाएं बाएं दोनों तरफ आप अगर आप देखिए तो फ्रेजेस आ रहे हैं, ऑन द टेबल एक फ्रेज, इन द बैग दूसरा फ्रेज। और सेंटेंस नंबर 6 को अगर आप देखो तो इसमें आई लाइक एक क्लॉज हो गया और आई रीड ये दूसरा क्लॉज हो गया। तो सेंटेंस नंबर 6 में एंड ने दो क्लॉजेस को जोड़ा है। अब देखिए, अब इन 6 फिगरों पे देखिए, सेंटेंस नंबर 1 से लेके 4 तक, फ्रॉम 1 to 4 वर्ड्स को जोड़ा है कंजंक्शन ने, जो कि एंड है। सेंटेंस नंबर 5 में एंड ने दो फ्रेजेस को जोड़ा है, कनेक्ट किया है। और सेंटेंस नंबर 6 ने, सेंटेंस नंबर 6 में एंड ने दो क्लॉजेस को जोड़ा है। क्लॉज मतलब सब्जेक्ट और वर्ब, एक्शन डूअर और उसका एक्शन, या सब्जेक्ट और लिंकिंग वर्ब। ये मैं बता चुका हूं क्लॉज क्या होता है अपने पहले लेक्चर में। तो इन 6 सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद अब दोबारा इस डेफिनेशन को देखें कि कंजंक्शन क्या है। कंजंक्शन एक लफ्ज है। कंजंक्शन करता क्या है? कंजंक्शन कनेक्ट करता है। कंजंक्शन किसको कनेक्ट करता है? वर्ड्स को कनेक्ट कर सकता है, सेंटेंस नंबर 1 to 4 देख लीजिए। फ्रेजेस को कनेक्ट कर सकता है, सेंटेंस नंबर 5 देख लीजिए। और क्लॉजेस को कनेक्ट करता है, सेंटेंस नंबर 6 देख लीजिए। और बैलेंस भी है इसमें, ये देखें तराजू बनाया हुआ है मैंने आपके लिए यहाँ। ठीक है, तो ये हो गई कंजंक्शन से हमारी दोस्ती। कोशिश मैंने की है कि आपको कंजंक्शन की नेचर समझा सकूं कि कंजंक्शन एक कनेक्टर होता है, और कनेक्ट किस किस को करता है? वर्ड्स को भी कनेक्ट कर सकता है, लेकिन सेम कैटेगरी के वर्ड्स हों। कंजंक्शन से पहले एडजेक्टिव है तो बाद में भी एडजेक्टिव ही होना चाहिए, पहले सब्जेक्ट है तो बाद में भी सब्जेक्ट ही होना चाहिए। फ्रेजेस को भी कनेक्ट कर सकता है और क्लॉजेस को भी कनेक्ट कर सकता है। अच्छा अब इस डेफिनेशन को एग्जाम्पल्स के साथ समझने के बाद अब हम आते हैं कंजंक्शन की टाइप्स कितनी हैं। इंग्लिश में कंजंक्शन की टाइप्स कितनी हैं, टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। अब इसको हम समझते हैं, पहले लिख लें एक ही दफा। पहली टाइप के कंजंक्शन कहलाते हैं कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। दूसरी टाइप के कंजंक्शन वो कहलाते हैं कोरेलेटिव कंजंक्शंस, कोरेलेटिव कंजंक्शंस। और तीसरी टाइप के कंजंक्शंस कहलाते हैं सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब हम सबसे पहले देखते हैं, अच्छा इसके बारे में मैं एक गुजारिश आपको करूं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इंग्लिश में होते हैं 7, 7। कोरिलेटिव कंजंक्शंस इंग्लिश में होते हैं 5, और ये 5 पेयर्स होते हैं। सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की पहचान मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा हुजूरे वाला, तो हम लोग बात कर रहे थे कंजंक्शंस की टाइप्स की, तो 3 टाइप्स की हमने बात की, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और जो के 7 होते हैं, फिर कोरेलेटिव कंजंक्शंस जो के 5 पेयर्स में होते हैं, और सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब हम पहली टाइप की तरफ जाते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस टोटल 7 हैं, जो के हैं फैन बॉयज। ये देखिए,
एफ से हो गया फॉर, ए से हो गया एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। फैन बॉयज, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अच्छा, इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहा क्यों जाता है ये हम एंड में इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस सेवन हैं इंग्लिश में और वो फैन बॉयज हैं। फैन बॉयज एक एक्रोनिम बनाया हुआ है ये आपको याद करवाने के लिए इन सातों को, और ये बड़ा पुराना एक्रोनिम है। अच्छा, फॉर जब भी कंजंक्शन का काम करता है तो कॉज इफेक्ट की सेंस देता है हुजूर। फॉर जब भी कंजंक्शन का काम करता है तो कॉज इफेक्ट की सेंस देता है। एंड जब भी कंजंक्शन का काम करता है तो फर्दरेंस की सेंस देता है, यानी जो बात एंड से पहले की जाती है एंड के बाद उसी बात को आगे बढ़ाया जाता है। नॉर के अंदर सेंस ऑफ कंफर्मेशन है, नॉर जब भी कंजंक्शन का काम करता है तो नॉर से पहले जो थीम होता है, नॉर से पहले जो बात की जाती है, नॉर के बाद उसी बात पे ठप्पा लगा दिया जाता है, उसी बात को कंफर्म कर दिया जाता है। बट में सेंस ऑफ कंट्रास्ट है, यानी बट के दाएं बाएं जो थीम्स होंगे वो अपोजिट थीम्स होंगे। और में सेंस ऑफ चॉइस है या सेंस ऑफ ऑप्शन है। येट में भी सेंस ऑफ कंट्रास्ट है और सो में भी कॉज इफेक्ट है। अच्छा, ग्रामर के बारे में मैं ये बात करता होता हूँ अक्सर अपने स्टूडेंट से, आप लोगों से, कि भाई ग्रामर को रूल्स मत समझिए, ग्रामर को आप सेंसिकली याद करेंगे ना, ग्रामर को सेंस बेस्ड के ऊपर याद करेंगे ना, समझेंगे तो ये आपका दोस्त बन जाएगा और आप लोग फिर किसी रूल के गुलाम नहीं रहेंगे। अब ये जो हमने फैन बॉयज को डिस्कस किया है, अब सेंटेंसेस लिखते हैं, सेवन छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखते हैं और देखते हैं कि क्या ये जो फैन बॉयज कंजंक्शन हैं और जो हमने सेंसेस इनकी बनाई हैं क्या ये ठीक है। सेंटेंस नंबर वन देखिए, आई पनिश्ड हिम कॉमा फॉर ही लाइट। ये कॉमा मैं बताता हूं कि क्यों लगाया है, पहले हम एक दफा सेंटेंसेस लिख लें। एंड देखिए, आई एम अ मुस्लिम कॉमा एंड आई ऑफर नमाज डेली फाइव टाइम्स अ डे। नॉर के अंदर देखिए, ही नेवर स्टडीज नॉर डज ही रिपेंट। ना तो वो पढ़ता है कभी और ना ही पछताता है। बट ज़िया इज ऑनेस्ट कॉमा बट रॉय इज करप्ट। सेंटेंस नंबर फाइव देखिए, बट के बाद आएगा और। यू शुड ओबे कॉमा और योर बॉस विल फायर यू। सिक्स सेंटेंस देखिए, हिना इज वेल्थी कॉमा येट शी डज नॉट हेल्प द पुअर द पुअर पीपल। सेवन सेंटेंस देखिए, ही वॉज वेरी टायर्ड कॉमा सो ही स्लेप्ट अर्ली।
छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखे हैं साथ। अच्छा जी, अब हम ऐसा करते हैं कि जरा हाईलाइट कर लेते हैं कंजंक्शंस को। फॉर को कीजिए हाईलाइट, एंड को किया हाईलाइट, नॉर को बोल्ड किया, फिर बट को, फिर और को, फिर येट को और फिर सो को। ये देखिए। अच्छा, अब फॉर एंड नॉर बट और येट सो को हाईलाइट करने के बाद अब आप पहले ये देखिए कि क्या ये कंजंक्शंस हैं भी कि नहीं। क्या जवाब है आपके पास, क्या प्रूफ है आपके पास कि सेंटेंस नंबर वन में फॉर कंजंक्शन है? क्या प्रूफ है? या इसके सामने मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, दिस बुक इज फॉर यू। इसमें भी तो फॉर है, इसे कंजंक्शन कहेंगे आप? जी हुजूर, इस पहले सेंटेंस पे तो बात कीजिए। आई पनिश्ड हिम फॉर ही लाइड, एक फॉर ये है, और दिस बुक इज फॉर यू, एक फॉर ये है। क्या प्रूफ है आपके पास, क्या लॉजिक है आपके पास कि सेंटेंस नंबर वन में फॉर कंजंक्शन है? भाई सेंटेंस नंबर वन में फॉर इसलिए कंजंक्शन है कि बैलेंस्ड में है, बैलेंस क्रिएट कर रहा है। कैसे? फॉर से पहले भी क्लॉज है, आई और पनिश्ड क्लॉज है, और फॉर के बाद में भी क्लॉज है, ही और लाइड। और जैसे कि मैं इसको ऊपर लेके जाऊं, ये देखें, ये तराजू बनाया हुआ है मैंने कि कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है, कंजंक्शन एक लफ्ज है जो कि किसको कनेक्ट करता है, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, एक बैलेंस के साथ। अब देख लीजिए कि फॉर के दाएं बाएं दोनों तरफ क्लॉजेज हैं। अब ये जो सेंटेंस है दिस बुक इज फॉर यू, इसमें फॉर कंजंक्शन नहीं है। क्यों कंजंक्शन नहीं है? कि भाई बैलेंस नहीं है। फॉर से पहले तो क्लॉज है, बुक और इज, ये क्लॉज हो गया। फॉर के बाद सिंगल वर्ड है, तो तराजू के पलड़े बराबर नहीं है, तो फॉर यहां पर कंजंक्शन नहीं है, प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन की तगड़ी निशानी होती है कि प्रेपोजिशन के बाद नाउन्स आते हैं या नाउन के कजन्स होते हैं। जैसे कि यू यहां पर प्रोनाउन है, ये नाउन का ही एक कजन है। अच्छा, तो लिहाजा अब हम बात ये कर रहे हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम बात ये कर रहे हैं कि ये जो फैन बॉयज हमने लिखे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, क्या ये कंजंक्शन है भी? देखें, सेंटेंस नंबर टू में आई एम, ये एक क्लॉज हो गया, और आई ऑफर, ये दूसरा क्लॉज हो गया। क्लॉज को जोड़ रहा है यहां पे, दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है एंड। अच्छा, सेंटेंस नंबर थ्री में भी क्लॉजेस को जोड़ रहा है, ही और स्टडीज, सब्जेक्ट और वर्ब, एक क्लॉज हो गया, ही और रिपेंट, ये दूसरा क्लॉज हो गया। इसी तरह से ये सेंटेंस है ज़िया इज ऑनेस्ट बट रॉय इज करप्ट। अब ज़िया इज, देख लीजिए, ये क्लॉज हो गया और रॉय इज, ये दूसरा क्लॉज हो गया। तो यहां पर भी बट ने क्लॉजेस को जोड़ा है। तो भाई ये कंजंक्शंस हैं सारे के सारे। और भी देखें, क्लॉज को जोड़ रहा है, यू और ओबे एक क्लॉज हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब, और बॉस और फायर, ये दूसरा क्लॉज हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब। सेंटेंस नंबर सिक्स में हिना इज, एक क्लॉज, और शी और हेल्प, ये दूसरा क्लॉज हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब, और सो भी इसी तरीके से क्लॉजेस को जोड़ रहा है। अब हम आगे देखते हैं कि जो हमने सेंसेस लिखी थी ऊपर कि फॉर में कॉज इफेक्ट होता है, तो देखें सेंटेंस नंबर वन में कॉज इफेक्ट है, आई पनिश्ड हिम, ये इफेक्ट है। क्यों मैंने पनिश किया, उसकी कॉज क्या थी? कि भाई उसने झूठ बोला था, कॉज इफेक्ट की सेंस। एंड में फर्दरेंस की सेंस है,
देखिएगा, आई एम अ मुस्लिम एंड आई ऑफर नमाज डेली, यानी एंड से जो पहले थीम है, एंड के बाद उसी थीम को आगे बढ़ाया गया है, फर्दर किया गया है, अग्रीमेंट है दोनों क्लॉजेज में. सेंटेंस नंबर थ्री में देखिए, ही नेवर स्टडीज, एक तो वो पढ़ता नहीं है कभी, नॉर डज ही रिपेंट, और ना ही फिर पछताता है, यानी कि ढीठ है. तो देखिए, पहले एक थीम है ही नेवर स्टडीज, वो कभी नहीं पढ़ता, और नॉर के बाद उसी थीम पर ठप्पा लगा दिया गया है, उसी थीम को कंफर्म कर दिया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है, इंटेंसिफाई कर दिया गया है कि ना ही वो पछताता है. बट के अंदर देखें सेंस ऑफ कंट्रास्ट है, ज़िया ऑनेस्ट है और रॉय करप्ट है. देखें ऑनेस्ट और करप्ट दो ऑपोजिट थीम्स हैं, दो ऑपोजिट थॉट्स हैं. फिफ्थ सेंटेंस में देखिए, चॉइस है कि यू शुड ओबे और योर बॉस विल फायर यू. भाई चूज कर लो, या तो ओबे कर लो या फिर नौकरी छोड़ दो, दोनों में से एक चीज चूज कर लो. नौकरी से हाथ धो बैठोगे अगर ओबे नहीं करोगे तो, चॉइस है तुम्हारे पास. सेंटेंस नंबर सिक्स में देखिए कंट्रास्ट है, क्या क्या कंट्रास्ट है. हिना इज वेल्थी, वेल्थी है, अब वेल्थी होने के बावजूद वो गरीबों की मदद नहीं कर रही. अब भाई एक गरीब जो कि पहले ही कल्लाश है, मुफलिस है, जिसके पास पहले ही पैसे नहीं है, तो वो क्या मदद करेगा दूसरे गरीब की. तो लॉजिकल प्रोबेबिलिटी यही है कि अगर वो वेल्थी है हिना, तो उसको गरीबों की मदद करनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वो मदद नहीं कर रही, तो कंट्रास्ट है. सेवंथ देखिए, ही इज वेरी टायर्ड हो सो ही स्लेप्ट अर्ली, सो गया वो जल्दी. थीम देखिए, इफेक्ट है ना इसमें, और इसकी कॉज देखिए कि वो थका हुआ बहुत था, थका हुआ बहुत ज्यादा था, इसलिए वो सो गया. ठीक है, तो देखिए सेंसेस को भी अगर आप कंफर्म करना चाहें, एनालिसिस करना चाहें, तो बड़े आराम से कर सकते हैं. अच्छा, अब हुजूर इसमें कुछ गुत्थियां और हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स और हैं जिनको सुलझाना लाजमी है. वो कॉन्फ्लिक्ट ये हैं कि अगर फॉर में भी कॉज इफेक्ट है और अगर सो में भी कॉज इफेक्ट है, तो इन दोनों में फर्क क्या है. तो हुजूरे वाला, फॉर के बाद में कॉज होती है. इनको मैं दोबारा क्यों ना लिखूं इन दोनों सेंटेंसेस को, ये देखिए जरा. अब हमारा जो इस वक्त जो चीज कंसिडर करने वाली है वो ये है कि फॉर और सो में डिफरेंस क्या है. फॉर के बाद में कॉज होती है हुजूर, सो से पहले कॉज होती है, ये डिफरेंस है. फॉर के बाद में कॉज होती है, यहां मैं ब्रैकेट में लिख दूं कॉज, और सो से पहले कॉज होती है, यहां मैं ब्रैकेट में लिख दूं कॉज. ये फर्क है फॉर में और सो में. फॉर के बाद में कॉज, पहले इफेक्ट. सो से पहले कॉज, बाद में इफेक्ट. अच्छा, अब दूसरा इशू यह है कि अगर बट में भी सेंस ऑफ कंट्रास्ट है और अगर येट में भी सेंस ऑफ कंट्रास्ट है, तो इन दोनों में फर्क क्या हुआ फिर. अगर बट में भी सेंस ऑफ कंट्रास्ट है और येट में भी सेंस ऑफ कंट्रास्ट है, तो डिफरेंस क्या हुआ फिर. अब हम यूं क्यों ना करें कि इन दोनों सेंटेंसेस को भी इकट्ठा लिख लेते हैं. लो ये सारे सेलेक्ट हो गए, बट और येट को इकट्ठा लिख लेते हैं. अब देखिए आप जरा इसकी नंबरिंग चेंज कर देते हैं, 1-2 इसे दोबारा कर देते हैं. तो हम ये डिफरेंस देख रहे थे
देखिए अब इसको, इसके ऊपर भी मैं कंसिडर लिख देता हूँ कि समझें इस चीज़ को, कंसिडर के साथ नंबर लग गया वो मैं मिटा देता हूँ। अच्छा अब बट और येट के अंदर डिफरेंस क्या है हुजूर? ये जो सो फॉर और सो में डिफरेंस था ना, ये प्लेस का डिफरेंस था, पोजीशन का डिफरेंस था कि फॉर के बाद में कॉज होती है, यानी कॉज की जो पोजीशन है वो फॉर के बाद है और सो से पहले कॉज की पोजीशन होती है। अब बट और येट में मीनिंग का फर्क है। बट का मतलब होता है लेकिन, और येट का मतलब होता है इसके बावजूद। ठीक है, पहले सेंटेंस का मतलब बनेगा कि जिया ऑनेस्ट है लेकिन रॉय करप्ट है। यानी कि बट का जो मतलब है, बट इज इक्वल टू कॉन्ट्रेरिली मतलब लेकिन ऑन द अदर हैंड, बट का यह मतलब है ऑन द अदर हैंड इन कंट्रास्ट टू दिस। और जहां तक बात आई येट की, तो येट का मतलब है इन स्पाइट ऑफ दैट, यानी के इसके बावजूद। उर्दू लिखना टफ है, खैर मुझसे तो इंग्लिश भी कोई बहुत जल्दी नहीं लिखी जाती। अब देखें सेंस, देखें ज़िया ऑनेस्ट है लेकिन रॉय करप्ट है, और हिना वेल्थी है इसके बावजूद वो गरीबों की मदद नहीं करती। अच्छा अब जब मैं ये पढ़ाता हूं ना, तो बच्चे मुझसे ये भी सवाल पूछते हैं कि सर बट की जगह येट और येट की जगह बट आ सकता है? तो भैया आप खुद फैसला किया करो इसका, कभी आ सकता है कभी नहीं आ सकता। सेंस अपने दिमाग में रखिए और खुद डिसीजन कीजिए। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस नंबर वन में ज़िया इज ऑनेस्ट येट रॉय इज करप्ट नहीं कहा जा सकता कि ज़िया ऑनेस्ट है और इसके बावजूद रॉय करप्ट है, ये तो नॉनसेंस हो जाएगा सेंटेंस। लेकिन सेंटेंस नंबर टू में येट की जगह बट लगाया जा सकता है, हिना वेल्थी है लेकिन वो गरीबों की मदद नहीं करती, बट शी डज नॉट हेल्प द पुअर। तो ये एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आपकी मर्जी है भाई। आप सेंस देखिए, उसके मुताबिक देखिए कि रिप्लेसमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये इसके अंदर कुछ बातें थी। हां अब मैंने आपको कुछ और बातें इसके मुतल्लिक बतानी है, फैन बॉयज कंजंक्शन के मुतल्लिक। के यहां पर लिखता हूं मैं रिमेंबर, या यहां पर यूं क्यों ना लिखें नोट। पहला नोट यह है कि कॉमा इज फॉर्मल बिफोर फैन बॉयज, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस व्हेन दे कनेक्ट क्लॉजेस। फैन बॉयज से पहले कॉमा फॉर्मल होता है, फैन बॉयज से पहले कॉमा फॉर्मल होता है, फैन बॉयज से पहले कॉमा फॉर्मल होता है अगर वो क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा हो तो। तो फॉर से पहले कॉमा और एंड से पहले कॉमा, नॉर बट और येट और सो से पहले कॉमा फॉर्मल है फैन बॉयज से। इसको मैं फिर अपनी औकात पे ले आता हूँ कॉमा को, जितने बाकी कॉमास हैं उतना कर देता हूँ मैं।
अच्छा, पहला पॉइंट ये हो गया, नोट वन। नोट टू, व्हेन फैन बॉयज यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कनेक्ट क्लॉजेस द रिजल्टेंट सेंटेंस इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस। फैन बॉयज जब क्लॉजेस को कनेक्ट करके सेंटेंस बनाते हैं तो वो सेंटेंस कहलाते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। तो हुजूर वाला सेंटेंस नंबर वन भी कंपाउंड है, टू भी कंपाउंड है, इसका नाम है ग्रामर में, ये इसका नाम है। कभी सेंटेंस नंबर वन कौन सा सेंटेंस है तो आप कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। अभी कंपाउंड क्यों है, क्योंकि फैन बॉयज से जुड़ा हुआ है। एंड नॉर बट, ये सातों के सातों कंपाउंड सेंटेंसेस हैं। भाई क्यों कंपाउंड सेंटेंसेस हैं, क्योंकि भाई इसके क्लॉजेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ने जोड़ा हुआ है। देखिए मैं आपको यूं बताऊं, मैं एक और अर्ज करता हूं, इसको मैं नीचे ले जाता हूं, बात समझिए मेरी। गुजारिश मेरी ये है कि हर वो सेंटेंस जिसमें एक क्लॉज होता है ना, सिंगल क्लॉज, वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। जैसे मैं लिखूं कि आई एम अ मुस्लिम, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस लिखूं कि ही स्टडीज रेगुलरली। तीसरा सेंटेंस लिखूं कि शी प्लेज हॉकी। अब ये सारे के सारे सिंपल सेंटेंस हैं, ये तीनों सिंपल सेंटेंस है ए बी सी। सिंपल क्यों, क्योंकि इसमें एक क्लॉज है, आई एम और ही स्टडीज और शी प्लेज, ये सिंपल सेंटेंसेस हो गए। अच्छा, अब एक सेंटेंस जिसमें एक ही क्लॉज हो उसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस ग्रामर में। ये भी सिंपल सेंटेंस, ये भी सिंपल और ये भी सिंपल, और इसके बीच में जो एक एक वाहिद क्लॉज मौजूद होता है ना, वो कहलाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। समझिए बात को, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक ही क्लॉज हो वो सेंटेंस कहलाता है सिंपल सेंटेंस, और उसमें जो वाहिद क्लॉज होता है वो क्लॉज कहलाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। झगड़ा तब पैदा होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स तब पैदा होते हैं कि जब क्लॉजेज जुड़ते हैं और उनको फैन बॉयज जोड़ते हैं। मैं कोई से तीन सेंटेंसेस यहां पर सिलेक्ट करता हूं, ये देखें, इसको मैं एक टैब नीचे ले जाता हूं और इसकी नंबरिंग मैं फिर से कर देता। अब ये वही वाले सेंटेंस मैंने कॉपी कट पेस्ट कर दिए यहां। आई एम अ मुस्लिम एंड आई ऑफर नमाज डेली। ज़िया इज ऑनेस्ट बट रॉय इज करप्ट और ही वॉज वेरी टायर्ड सो ही स्लेप्ट अर्ली। अच्छा, अब ये तीनों तो हो गए सिंपल सेंटेंसेस। ये तीनों किस टाइप के सेंटेंसेस हैं? ये कंपाउंड हैं। ये कंपाउंड इसलिए हैं कि इनके अंदर एक से ज्यादा क्लॉजेज हैं और उन क्लॉजेस को जोड़ भी फैन बॉयज रहे हैं। तो एक सेंटेंस जिसमें बेशक 1500 क्लॉजेस मौजूद हों और उन सबको फैन बॉयज जोड़ रहे हों तो वो सेंटेंस कहलाएंगे कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस। तो सेंटेंस नंबर वन जो है ये कंपाउंड सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर टू जो है ये भी कंपाउंड सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर थ्री जो है ये भी कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड कंपाउंड सेंटेंस।
ये कंपाउंड सेंटेंस क्यों है, ये कंपाउंड सेंटेंस क्यों है? तो ये कंपाउंड सेंटेंस क्यों है? इसलिए कि इनको फैन बॉयज कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि क्लॉजेस बेशक ज्यादा हो जाएं। देखें, इसको बढ़ाएं, इस सेंटेंस को। ही वॉज वेरी टायर्ड सो ही स्लेप्ट अर्ली एंड वी डू नॉट एंड वी डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। देखें, तीन क्लॉजेस हो गए इसमें। अब फिर भी ये कंपाउंड सेंटेंस है। क्यों कंपाउंड सेंटेंस है? क्योंकि फैन बॉयज जोड़ रहे हैं, सो और एंड दोनों फैन बॉयज हैं, ठीक है। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है, इसको हम बना देते हैं नोट वन, नोट टू हो गया, नोट थ्री कर देते हैं। नोट थ्री, अच्छा इसको मैं मिटाता हूं। नोट थ्री है, एक मिनट, ये देखो जी, नोट वन क्या था, कॉमा इज फॉर्मल बिफोर फैन बॉयज व्हेन दे कनेक्ट क्लॉजेस, इसको भी नोट वन लिखे। ठहरे, नोट वन इसको हाईलाइट करते हैं। नोट वन इसको करते हैं नोट टू। अच्छा, दूसरा नोट क्या था, व्हेन फैन बॉयज कनेक्ट क्लॉजेस द रिजल्टेंट सेंटेंस इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। फिर मैंने मिसालें दी आपको कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, पहले सिंपल सेंटेंस समझो ना, उसके बाद फिर मैंने कॉपी पेस्ट किया यहां पे वो जो पहले हमने सेंटेंसेस लिखे थे उसी को, कि ये तीनों कंपाउंड सेंटेंसेस हैं। क्यों? कि उनको फैन बॉयज जोड़ रहे हैं। अब तीसरा नोट हुजूरे वाला ये है, अच्छा पहले मैंने एक आपको बात बताई थी, वो याद है, वो बात क्या थी, कि हर वो फिकरा जिसमें एक क्लॉज होता है वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है, और उसके अंदर जो क्लॉज होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। अच्छा, अब नोट थ्री ये है हुजूर के द क्लॉजेस connected by fanboys are called independent clauses. ठीक है, fanboys से जुड़ के जो फिकरा बनता है वो compound sentence कहलाता है, और fanboys जितने भी clauses को जोड़े वो भी इंडिपेंडेंट क्लॉज ही कहलाएंगे। ही वॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ही स्लेप्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और वो वी और डिस्टर्ब ये एक और क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो फैन बॉयज जितने भी क्लॉजेस को जोड़े और सेंटेंस बनाए तो वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा, और उसके अंदर जो क्लॉजेस होंगे वो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएंगे। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि अगर इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ते हैं, द क्लॉजेस कनेक्टेड बाय फैन बॉयज आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। तो भाई ऐसा सेंटेंस जिसमें क्लॉज ही एक है तो वो तो है ही इंडिपेंडेंट क्लॉज, और वो सेंटेंस भी सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। और अगर एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक से ज्यादा क्लॉजेज हैं, बेशक वो 1,500 क्लॉजेज हों, लेकिन उनको कनेक्ट फैन बॉयज करे, तो
तो वो भी कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। तो ये जो सेंटेंस नंबर थ्री है ये भी कंपाउंड सेंटेंस है, बल्कि ये जो सातों सेंटेंसेस हमने लिखे थे पहले, ये बेटे सारे के सारे कंपाउंड सेंटेंसेस हैं। क्यों? कि एक से ज्यादा क्लॉजेज हैं इसमें और इनको फैन बॉयज कनेक्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कनेक्ट कर रहे हैं। फिर मैंने तीन आपको क्लॉजेस जोड़ के बताए सेंटेंस नंबर थ्री में कि ही वॉज वेरी टायर्ड सो ही स्लेप्ट अर्ली एंड वी डू नॉट डिस्टर्ब हिम। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये भी कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। और इसके अंदर जो क्लॉजेज हैं ही वॉज और ही स्लेप्ट और वी डिस्टर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब यानी क्लॉज कहलाता है ना, तो ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। तो जनाब थ्री नोट्स मैंने आपको बताए हैं, इनको जहन में रखिएगा। अच्छा, और एक मेरी अपनी फाइंडिंग्स हैं, नोट फोर बना देते हैं उसे। अच्छा, ये मैं चीजें आपको क्यों बता रहा हूं, ये थ्योरी मैंने पढ़ानी क्यों शुरू कर दी, हालांकि यहां तक काफी था। आप लोगों को सीएसएस पीएमएस में तो करेक्शन आती है, उसमें तो ये करेक्शन में ये वाला टॉपिक आता है और पिछले सालों में आया भी है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का। लेकिन जो आपके सिंगल पेपर एग्जाम होता है एफपीएससी पीपीएससी का, तो उसमें बाज़ुकात पूछा जाता है कि बताओ ये कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या सिंपल सेंटेंस है, या क्लॉजेस के बारे में भी पूछा जाता है कि बताओ इनडिपेंडेंट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इस वजह से ये मैं आपको चंद एक थ्योरेटिकल नोट्स मैंने आपको ऐड करवाए हैं। अब नोट फोर एक और मैं आपको बता दूं, नोट फोर लिखते हैं, सेमी कोलन सेमी कोलन कैन रिप्लेस, इसकी मैं हाईलाइटिंग खत्म करूं, नोट फोर तक ही काफी है। सेमी कोलन, अच्छा सेमी कोलन होता है नुक्ते के नीचे कॉमा, ये होता है सेमी कोलन, ये देखो, सेमी कोलन कैन रिप्लेस कॉमा एंड कॉमा बट एंड कॉमा सो। अच्छा, एंड बट और सो वाले सेंटेंसेज मैंने यहां पर लिखे हैं, इसको एक दफा फिर लिखते हैं, देखो इसकी नंबरिंग चेंज करते हैं, ये जो कंपाउंड सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इसको हटाते हैं, फिर मैं गुजारिश करूंगा कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा था यहां। इसकी हाइलाइटिंग भी खत्म करते हैं, ये देखो। अच्छा, अ सेमी कोलन कैन रिप्लेस एंड बटन सो। अब आप यहां यूं कीजिए कि कॉमा एंड को हटा के अकेला सेमी कोलन लगा देंगे तो भी सेंटेंस करेक्ट होगा, बट को हटा के कॉमा बट को अकेला सेमी कोलन लगा देंगे तो भी सेंटेंस करेक्ट होगा, और इसी तरह सो के साथ कीजिए। देखिए, ये हमने सिर्फ सेमी कोलन्स लगा दिए तो अब भी सेंटेंस ये करेक्ट ही होंगे, यानी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को। अच्छा, फिर देखो, फैन बॉयज के दाएं बाएं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं ना, फैन बॉयज के दाएं बाएं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं ना, तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेमी कोलन भी कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये नोट फोर था इस लेक्चर में, इतना ही। अब अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो हमने कंजंक्शंस की टाइप्स लिखी थी ना,
टाइप्स किधर गई इसकी, ये अगले लेक्चर में मैं आपको अब को रिलेटिव और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का बताऊंगा। तो हुजूर कंजंक्शन का लेक्चर अभी जारी है, तो वो लिखते हैं ना टू बी कंटिन्यूड और डॉट 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 लगाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर के लिए इतना ही, अब हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।